हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैच लाइफ की तबस्सुम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का वीडियो बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन मैं इस वीडियो को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आप भी समझ सकते होंगे, अगर बहुत टाइम से आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, सर्च कर रहे हो और वो चीज़ आपको मिल जाए तो आप लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं होगा। तो सेम मेरे साथ भी वही चीज़ हुई है। तो जब से मैंने अपना कुकिंग चैनल स्टार्ट करा, मैं बहुत टाइम से कुछ ऐसे बर्तन सर्च कर रही थी जो मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए थे, तो फाइनली वो मुझे मेरे लोकल मार्केट से मिल गए हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं बैठी हुई थी, काफ़ी टाइम से बाज़ार नहीं गई हूँ मैं, क्योंकि कई बार तबीयत ठीक नहीं हो पाती, कई बार टाइम नहीं हो पाता, बस सब्ज़ी आसपास से ले ली तो ले ली। तो उस दिन पता नहीं क्या अंदर से मन में आया था, मैं उठ के बाज़ार चली गई और मुझे शायद ये चीज़ें मेरे नसीब में लिखी थी तो ये मुझे बहुत रिजनेबल प्राइस पर मिल गई हैं, तो मैं आप लोगों के साथ आज वही शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि अचानक से बैठ, मतलब आप लेटे हैं, बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और आपके मन में कुछ आता है, अचानक से आप निकल पड़ते हैं बाहर और आपको कोई आपकी पसंद की चीज़ मिल गई हो तो आपका क्या रिएक्शन हुआ होगा, प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो मैं जिस चीज़ को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ, ऑब्वियसली मुझे बर्तनों का बहुत शौक है, तो मैं जिस तरह के मैं बर्तन सर्च कर रही थी, एक्चुअली कुकिंग का चैनल है तो आपको प्रेजेंट करने के लिए कुछ अच्छे बर्तन चाहिए होते हैं, क्योंकि खाना अच्छे बर्तनों में होता है और टेस्टी होता है, तो देखने में टेस्ट में तो अच्छा होता ही, लेकिन अगर अच्छे से सर्व किया जाए तो वो और ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं आपको शायद अपनी बात ठीक से समझा नहीं पा रही। तो ये सब छोड़ के चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये कुछ बर्तन लेकर आई हूँ, देखिए आप सोच रहे होंगे सारे ब्लैक ब्लैक हैं, क्योंकि ब्लैक में ना हर मतलब ब्यूटी जो किसी भी चीज़ की होती है बहुत एनहेंस होकर आती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मेरी ये देखिए, ये इस तरह की एक हांडी है, आजकल बहुत फैशन में है ये, आपको रेस्टोरेंट वगैरह में भी जाएंगे, आप होटल वगैरह में, तो इस तरह की हांडियों में आपको खाना सर्व किया हुआ मिलता है। तो ये जो मैंने बाहर लोकल मार्केट में पता करी थी तो वहाँ पे वो 300-350 अराउंड में, 275 रुपीज़ में ये हांडी मिल रही थी, जो मैंने छोड़ दिया था, मैंने कहा चल नेक्स्ट टाइम ले लूँगी। तो इत्तेफाक से ये मैं मार्केट गई और ये मुझे मिल गई है, सिर्फ मुझे 100 रुपीज़ में मिली है। ये देखिए इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी है, अच्छी खासी क्वांटिटी में इसमें सब्ज़ी या दाल जो भी आप सर्व करना चाहूँगी मैं वो मैं कर सकती हूँ। तो ये मुझे 100 रुपीज़ की मिली, देखिए इसकी कितनी अच्छी क्वालिटी है। ये देखिए मुझे ये बहुत अच्छी लगी, इसको देख के मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इस तरह की क्रॉकरी लेना चाह रही थी, तो ये मुझे 100 रुपीज़ में मिल गया। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ, नेक्स्ट मैं इस तरह का प्लेटर लेकर आई हूँ। ये देखिए इस तरह का प्लेटर जो है मार्केट में बहुत महंगा मिलता है, तो ये मुझे भी बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल गया, ये प्लेटर भी मुझे 100 रुपीज़ में मिल गया है। तो यहाँ पे कुछ भी पकोड़े स्नैक वगैरह इसमें मैं बनाऊंगी तो वो मैं सर्व करके दिखा सकती हूँ अपने दूसरे चैनल के लिए, या घर पे भी जैसे कोई गेस्ट वगैरह आ जाता है तो अच्छे बर्तनों में अगर हम सर्व करते हैं तो गेस्ट को भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कुछ भी बनाऊंगी तो मैं उसमें सर्व कर सकती हूँ, यहाँ पे चटनी या कुछ भी मैं इसमें रख सकती हूँ। तो देखिए कितना अच्छा प्लेटर है और सिर्फ ये सिर्फ मुझे 100 रुपीज़ में मिल गया। लोकल मार्केट में जब मैं शॉप पे जब मैंने पता करा था यही चीज़ 250-300 रुपये से कम की नहीं थी, जो मुझे 100 रुपीज़ में मिल गई है। ये 100 रुपीज़ के उसने मुझे बोले थे, बट कोई उसने मुझे 90 में दिया, कोई कुछ चीज़ मुझे 80 में दी है, तो आगे मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूंगी कि ये सारी चीज़ें जो टोटल मैंने ली हैं वो मैंने कितने रुपए में ली हैं। ठीक है, तो एक मैंने ये वाली हांडी ले ली है और एक ये वाला प्लेटर ले लिया है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने ली है एक इस तरह की ट्रे मैंने ली है, देखिए तो ये भी सर्विंग ट्रे ही है, इसमें चटनी अचार वगैरह कुछ भी मैं रख सकती हूँ और यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इसमें मैं रख सकती हूँ जो भी मैं बनाऊँगी सर्व करने के लिए। देखिए तो कितनी अच्छी ट्रे है और ये अनब्रेकेबल है, जो मेलामाइन होता है, मेलामाइन करके आता है बर्तनों में, तो ये मेलामाइन की ट्रे है और ये भी, ये दोनों चीज़ें भी, ये भी मेलामाइन की ही है जो काफ़ी कॉस्टली मिलता है। तो ये देखिए, तो ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 70 रुपीज़ में मिल गई और मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि सिर्फ उसने 150 में बोली थी, लेकिन बाज़ार उठने का टाइम हो रहा था तो उसने मुझे 100 बोली, मैंने कहा नहीं मैं 70 दूंगी, तो उसने कहा अच्छा चलो आप 80 दे दो, मैंने कहा नहीं मैं 70 ही दूंगी। तो ये लास्ट पीस जो मैंने लिया था ये मुझे 70 रुपीज़ का मिल गया और देखिए कितना अच्छा है, मैंने इनको वॉश कर लिया है लाके, तो इसलिए शायद इसमें थोड़ा सा भी पानी लगा हुआ दिख रहा है, लेकिन ये मैंने वॉश कर लिया है, तो ये मुझे 70 रुपीज़ की मिल गई है। देखिए कितनी सुंदर ट्रे है। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा रिसेंटली आप लोगों ने क्या शॉपिंग की है। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो इस तरह का, देखिए ये बाउल है, ये हांडी टाइप जो होता ना, ये देखिए ये इस तरह का है। तो ये मैंने दो लिए हैं, एक मैंने वाइट लिया है और एक मैंने अगेन ब्लैक में लिया है तो आप सोच रहे होंगे इसमें मैंने क्या रखा है। देखिए
मैंने शाही पनीर बनाया है जिसकी रेसिपी मैंने अपने दूसरे कुकिंग चैनल तबस्सुम्स वर्ल्ड पे शेयर की है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं और अपने घर में बना सकते हैं। शाही पनीर और बटर नान की रेसिपी भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, मैं वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एक्साइटमेंट के मारे बोला नहीं जा रहा क्योंकि ये मुझे बर्तन बहुत पसंद आए हैं। देखिए सर्व किया है इसमें मैंने, और शाही पनीर भी कितना सुंदर लग रहा है। तो ये और ये दोनों, ये दो का देखिए एक सेम क्वांटिटी है इसमें, अच्छी खासी क्वांटिटी सब्जी की आ गई है मेरी। देखिए तो ये मैंने दोनों 50 रुपीज़ ईच लिए हैं और ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। 50 रुपीज़ ईच मुझे मिल गया, मैंने सोचा नहीं था क्योंकि यही चीज़ मैं अपने शॉप पे से लेकर आई थी तो ये उन्होंने मुझे 150-175 रुपीज़ का बताया था और ये मुझे 50 रुपीज़ में मिल गई। तो ये फ़र्क होता है फुटपाथ पे शॉपिंग और शॉप से शॉपिंग करने का। तो मैं ये नहीं देखती कि मुझे सिर्फ शॉप से शॉपिंग करनी है या मॉल से ही शॉपिंग करनी है या लोग क्या कहेंगे या फुटपाथ से ख़रीद रहे हो। मुझे जो चीज़ जहाँ अच्छी लगती है मैं वो चीज़ ले लेती हूँ, क्योंकि हमें प्रोडक्ट से मतलब है। अगर प्रोडक्ट अच्छा मिल रहा है तो फुटपाथ से भी खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो ऐसी ही हूँ, मुझे जो चीज़ जहाँ अच्छी लगती है वो मैं ले लेती हूँ। और कुटकुट पीछे आ चुका है, ये देखिए इसको भी आना है वीडियो में, बेटा ऊपर आ जाओ, ठीक है। तो ये देखिए इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और ये देखिए तो ये जो मैंने ये दो डोंगे लिए ये मुझे 100 रुपीज़ में मिले, ये 60-60 के बोले थे, इसमें उसने कुछ कम नहीं किया, बस 100 रुपीज़ में उसने मुझे ये दो डोंगे दे दिए। तो ये मुझे दोनों बहुत पसंद आए हैं, देखे देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं, एक ऊपर ब्लैक है नीचे वाइट है। और ये ट्रे उसने मुझे 90 रुपीज़ की दी, ये हांडी भी उसने मुझे 90 रुपीज़ की दी है, ठीक है। और ये ट्रे उसने मुझे 70 रुपीज़ की दी है। तो देखिए ये मेरे वीडियो के काम आ गई, तो मैं नेक्स्ट टाइम भी उसे बोल कर आई हूँ कि नेक्स्ट मंथ मुझे और बर्तन चाहिए, तो मैं नेक्स्ट मंथ ज़रूर लेकर आऊँगी। और मुझसे सब्र नहीं हो रहा है नेक्स्ट मंथ का। तो ये छोटा सा मेरा आज का शॉपिंग हॉल आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, आपने रिसेंटली क्या शॉपिंग की है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कुकिंग के शौकीन हैं तो तबस्सुम्स वर्ल्ड का मेरा चैनल है कुकिंग का, आप उसे जाके फॉलो कर सकते हैं और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ अपने घर में बना सकते हैं अपने। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही अनदर ब्लॉग के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।